हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एन हेल्पिंग को। तो फ्रेंड्स, एन हेल्पिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स पार्ट थर्ड का, जो कि रूटिंग जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप लोग फॉर्म भरे होइएगा तो आप लोग एक्टिव ही होइएगा कि रूटिंग कब से आने वाला है और कब एडमिट कार्ड मिलने वाला है। तो एडमिट कार्ड के लिए हम कॉलेज में बात किए हैं। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड लगभग 2 से 3 दिन के अंदर में वितरण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड आप लोग जाकर ले लीजिएगा। पहले हम रूटीन को समझ लेते हैं कि क्या रूटीन कहता है, कैसे कैसे एग्जाम होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड पर रूटीन नहीं दिया रहता है, याद रखिएगा। रूटीन आपको ऑफिशियल नोटिस से ही समझ के जाना होता है। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिस कैसे पता चलेगा, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपको डाउनलोड भी करने का हम लिंक देंगे। जैसे कि टेलीग्राम से हम अपने टेलीग्राम पर इस नोटिस को डाल दिए हुए हैं, आप जाकर वहां से टेलीग्राम से लोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है, 100% गारंटी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फेक नोटिफिकेशन भी घूम रहे हैं जो कि आप लोग वो नहीं ले जाना है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये इस रूटीन को समझने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, समझ जाएगा। कोई बड़ा अगर आपने पार्ट टू और पार्ट वन का एग्जाम दिया होगा तो सेम वही मेथड इसमें भी यूज हो जाता है। थोड़ा सा इसमें, क्योंकि जीएस इसमें जुड़ जाता है, जीएस इससे पहले आपको नहीं हुआ होगा एग्जाम, इसमें जीएस जुड़ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बीआरएबी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम फॉर टीडीसी पार्ट थर्ड एग्जाम 2023, सेशन हो जाएगा इनका 20 से 23। देखिए इस बार तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी एग्जाम ले लिया है बीआरएबी, नहीं तो फ्रेंड्स ये जो 2023 से 23 था, 23 में एग्जाम होता ही नहीं था, वो 24 में एग्जाम होता था, ठीक है। इस बार बहुत जल्दी एग्जाम ले लिया, शायद सेशन एकदम परफेक्ट चल रहा है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रुप बना दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप आपको समझना किस लिए है। देखिए आपका ऑनर्स जो है किस ग्रुप में बनाया गया है, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप ए के अंदर में हम बात कर ले तो यहाँ पे जूलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, सोशोलॉजी, उर्दू, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये ए ग्रुप के हैं। और बी ग्रुप में बात कर ले तो यहाँ पे फिजिक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद जियोग्राफी, इंग्लिश, ठीक है। और सी ग्रुप में हिस्ट्री, केमिस्ट्री, संस्कृत, बंगाली, प्रेसन, उसके बाद भोजपुरी, LSW, PKJ, ठीक है, ये है। उसके बाद सेम उसी प्रकार से ग्रुप डी में कॉमर्स, बोटनी, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, मिथिला, फिलोसफी, ये ग्रुप बना दिया गया है आपके ऑनर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि आपका कौन सा ग्रुप में आपका ऑनर्स पेपर बैठ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री है, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री है मेरा एग्जाम्पल, ले लेते हैं हिस्ट्री, आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लिया हिस्ट्री है। तो अब हम बात कर लेते हैं नीचे जो दिया गया है ऑनर्स का जो शेड्यूल दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑनर्स लिखा हुआ है, ऑनर्स का ये शेड्यूल है, ठीक है। और फर्स्ट सीटिंग, यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग है, यहाँ पे सेकंड सीटिंग, दो सीटिंग में आपको बांटा गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग का टाइम समझ लेते हैं, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सेकेंड सीटिंग का टाइम होगा 1 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। अब फ्रेंड्स ग्रुप यहाँ दिया गया है, ये देख पा रहे हैं ये सब जो ग्रुप है, ठीक है। और ये आपका डेट हो गया, और ये आपका पेपर हो गया, और ये ग्रुप हो गया, ये फिर डेट हो गया, और ये सेकंड सीटिंग वाले का, और ये आपका पेपर हो गया, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए ग्रुप ए यहाँ पे दिया गया है, ग्रुप ए में 19 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। ग्रुप ए के 19 तारीख को एग्जाम है, जीएस पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, जीएस पेपर का एग्जाम होगा। और फर्स्ट सीटिंग वाले को सेम सी ग्रुप में जो भी होंगे उनका पहले सभी का जीएस पेपर का एग्जाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पे 19-20 आप सेकंड सीटिंग में भी देख सकते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप डी, यहाँ पे 19-20 जीएस, दोनों का जीएस पहले लिया जाएगा, 19-20 का आपका जीएस है, कंफर्म है। आप किसी भी, आप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी किसी से आ रहे हैं वो जीएस होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पेपर 5 जो होगा वो ग्रुप ए वाले को 21 तारीख को होगा फ्रेंड्स, उसके बाद सी वाले को पेपर 5 22 तारीख को होगा। तो हम हिस्ट्री का बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में आपका पेपर 5 होगा ग्रुप सी, ग्रुप सी वाले को फिर देख लीजिए 25 तारीख को एग्जाम है पेपर 6, ग्रुप सी वाले को देख लीजिए 27 तारीख को एग्जाम है ग्रुप पेपर 7, उसके बाद ग्रुप सी वाले को देख लीजिए पेपर 8, आपको 3 तारीख को एग्जाम। तो इस बात को समझ दिए होंगे आप कि कैसे आपका ग्रुप सी और जो भी है ग्रुप सी, आपने मान लीजिए कि हिस्ट्री का हम लिए हैं उसका बता रहे हैं। फिर उसी प्रकार से आपको सेकंड सीटिंग में भी आपका ग्रुप बी और ग्रुप डी को डिफाइन किया गया था। अगर ग्रुप डी है तो आपका 5वां पेपर 22 तारीख को होगा, ग्रुप डी है तो आपका 25 तारीख को 6ठा पेपर होगा, 7वां पेपर आपका 27 तारीख को होगा, और 8वां पेपर आपका 3 तारीख को होगा। इस बात को आपको समझ लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनरल का।
तो फिर जनरल में भी उसी प्रकार से यहाँ पे आपका सीटिंग बनाया गया है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। तो जनरल वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पे अपना डेट देख लेंगे, कौन सा डेट को उनके उनके लिए एकदम सिंपल है क्योंकि उनके उनमें कोई ग्रुप वगैरह नहीं बनाया रहता है। देखिए 19 तारीख को ये जीएस आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये तीन को जो सब्जेक्ट चार को दिख रहा है वो एग्जाम जाके देंगे, ठीक है। और 21 तारीख को सेम उसी प्रकार से है पॉलिटिकल साइंस पेपर थ्री फिजिक्स पेपर थ्री यहाँ पे ऐसे करके बना दिया गया है। और सेम उसी प्रकार से सेकंड सीटिंग वाले को भी उसी प्रकार से है, सेकंड सीटिंग वाले को 19 तारीख को 19 को यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया है, जो पेपर है वो 19 को नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जिनका जनरल से आते हैं उनका ये समझ लीजिएगा, इधर सेम इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेम जो भी है डेट के सामने आपका सब्जेक्ट लिखा है उस सब्जेक्ट को ग्राहक एग्जाम देना है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आज भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आता अभी भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई जरूर देते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से इस नोटिस को लोड करके खुद से भी समझ सकते हैं क्योंकि आप ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हैं और पार्ट थर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए इतना बात। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो से तो आप समझ ही ले होंगे, अगर अभी नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेट दिया गया है ये जो पब्लिश किया गया है ये 13/9/2023 को पब्लिश किया गया है, तो ये ऑफिशियल नोटिस है। फेक नोटिस 4-5 दिन पहले ही से घूम रहा था तो वो फेक था, ये ऑफिशियल नोटिस है। और यहाँ पे मेमो संख्या भी दिया गया है C1571, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मेमो संख्या है, ये ओरिजिनल ऑथेंटिक्स जो कि नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार से ही आपको एग्जाम देने जाना है। और बाद बाकी रह गया, अगर इस रूटीन को समझने में अभी भी कोई दिक्कत है तो हम बार बार कह रहे हैं कि आपको कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, और अगर आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी मेरे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिला है तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि फ्रेंड्स हम आपको हर समय अपडेट देने का कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।